सलमान खान को लेकर एक बेहद ही शॉकिंग अपडेट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सलमान इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं, जिसके चलते हाल ही में उनके घर गोलियां बरसाई गई। हालांकि अभी भी सलमान डेंजर जोन से बाहर नहीं है, जिस वजह के चलते सलमान अपना घर छोड़ मुंबई से दूर जा रहे हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो सलमान गैलेक्सी अपार्टमेंट को अलविदा कहकर अपने फार्म हाउस में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में सलमान के करीबी दोस्त के हवाले से दावा किया गया है कि इस घटना के बाद सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में हमेशा के लिए शिफ्ट होने पर सोच विचार कर रहे हैं। पनवेल मुंबई से करीब 35 किलोमीटर और बांद्रा से करीब 77 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट में उस दोस्त के हवाले से लिखा गया है कि भाई पहले भी अपने फार्म में काफी समय गुजारते रहे हैं, उन्हें वहाँ रहना बहुत पसंद है। ये उनके बिग बॉस के शूटिंग लोकेशन के भी पास है। सोर्स ने आगे कहा कि शहर में उनकी सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा है, इसलिए भाई पनवेल वाले फार्म हाउस शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि सलमान खान के पेरेंट्स भी उनके साथ पनवेल शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अकेले सलमान खान ही वहां जाना चाह रहे हैं, लेकिन सलमान कई बार कह चुके हैं कि वो अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होंगे। बता दें कि गैलेक्सी अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर सलमान के पिता सलीम खान और माँ सलमा रहती है, इसलिए सलमान गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बताते चले कि इधर पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो बांद्रा मुंबई में सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोली चलाने वालों ने इस घटना को अंजाम देने से 4 दिन पहले पनवेल फार्म हाउस की रेकी भी की थी। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को सुबह करीब 4:50 पर 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के घर के बाहर 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों लोगों को गुजरात से अरेस्ट किया जा चुका है, जिनकी पहचान 24 साल के विकास गुप्ता और 21 साल के सागर पाल के रूप में हुई है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।